चीन और भारत के सैनिकों के बीच में गलवान घाटी में झड़प होने के बाद में भारत के बीच शहीद जो जवान शहीद हो गए थे उन शहीदों को श्रद्धांजलि यूथ कांग्रेस के द्वारा दी गई। यूथ कांग्रेस के ही अरुण व्यास के नेतृत्व में आज जसूस गेट पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आइए दिखाते हैं हम आपको श्रद्धांजलि के संपादित अंश। श्रद्धांजलि देने के बाद में हमने यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी अरुण व्यास से की बातचीत। भारत की गलवान घाटी में कल चीन की कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना के 20 जवान कल शहीद हो गए। आज उन 20 शहीदों को नमन करते हुए राजस्थान युवा कांग्रेस के बैनर तले हम लोगों ने आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का निर्णय लिया। आज पूरा देश सेना के जवानों के साथ में खड़ा है और हम लोग उनको नमन करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि चीन की इस कायराना हरकत का उनको मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया जाए। पूरा देश प्रधानमंत्री